आज के इस टाइम पर आप चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। बैंकों की बात करें तो अगर हम अपनी मेहनत की कमाई का पैसा बैंकों में सेविंग अकाउंट के रूप में डालते हैं तो हम उन पैसों को हर दिन कम कर रहे हैं। बैंक हमारी सेविंग पर हमें लगभग 2 से 7% तक इंटरेस्ट पे करता है, जबकि इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम महंगाई कहते हैं, यह भी हर साल लगभग 6% की दर से बढ़ रही है। अगर मिडिल क्लास इंसान सेविंग अकाउंट पर डिपेंड रहेगा तो वह चाहे कितना भी कमा ले, कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। आपने कभी भी किसी से यह कहते नहीं सुना होगा कि बैंक अकाउंट में पैसे रखकर वह व्यक्ति अमीर हो गया है। आपने ये जरूर सुना होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाए। हर अमीर इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 15% रिटर्न तो मिलते ही मिलते हैं। अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं तो वह लगभग 25 से 30% तक के रिटर्न देते हैं, और बैंक अकाउंट ओनली 2 से 7% तक रिटर्न देता है। इसलिए आज के टाइम पर सब लोग अपने पैसों को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब है, शेयर मार्केट हमारे भविष्य के खजाने की चाबी है। शेयर मार्केट को समझने के लिए आपको शेयर का मतलब समझना होगा। शेयर खरीदने का मतलब होता है किसी कंपनी की हिस्सेदारी लेना। मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं। अगर रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट की हिस्सेदारी आपको भी मिलेगी। जैसे रिलायंस कंपनी है, वैसे ही बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में शामिल हो रखी है, जैसे कि SBI, TCS, इन्फोसिस, सिप्ला, ब्रिटानिया, ITC, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स को खरीद सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना जैसी महामारी में दवाइयां बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो आपको दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स खरीदने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ सिप्ला कंपनी के शेयर्स की प्राइस देख सकते हैं, पिछले साल मार्च 2020 में इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 370 रुपये थी, और आज एक साल बाद इसकी प्राइस लगभग 950 रुपये हो गई है। कहने का मतलब है, एक साल में एक शेयर पर 580 रुपये का प्रॉफिट। ऐसे ही सभी कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं। अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करें तो 15 मार्च 2020 को इसके एक शेयर की प्राइस 900 रुपये थी, और आज इसके एक शेयर की प्राइस 2186 रुपये है। कहने का मतलब है, एक साल में इसके एक शेयर की प्राइस 1286 रुपये बढ़ गई है। आपने एक साल पहले 900 रुपये लगाए होते तो आज वह 900 रुपये 2186 रुपये बन जाते। दोस्तों, शेयर मार्केट में सभी शेयर ऐसे ही बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बहुत ही आसान है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन करने की लिंक दी गई है। अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक शेयर फ्री मिलेगा, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं तो आपको एक रेफर पर 300 रुपये से 500 रुपये तक मिलेंगे। दोस्तों, ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानना है तो आई बटन में या फर्स्ट कमेंट में आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करने की लिंक और वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।